मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके का मोबाइल वीडियो सामने आया। वीडियो बनाने वाला शख्स भी घायल हुआ है। कैमरे में कैद हुआ है तबाही का दिल दहला देने वाला मंजर। पटाखा फैक्ट्री में हुए लगातार धमाके कितने जबरदस्त थे, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। फैक्ट्री से काफी दूर बड़े बड़े पेड़ भी धमाकों की जद में आए और जड़ों से उखड़ गए। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके में 11 लोगों की मौत, 184 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हरदा जाएंगे आज मुख्यमंत्री मोहन यादव। हरदा पटाखा फैक्ट्री के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपियों में से 2 तो फैक्ट्री संचालक हैं। हरदा हादसा इतना भयावह था कि बचाव कार्य में कुल 75 एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू मिशन में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगानी पड़ी। धमाकों से आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा, घर जलकर राख हो गए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2 बजे भाषण देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में जाने से पहले संसद में प्रधानमंत्री का आखिरी संबोधन होगा। नीतीश कुमार 2 दिनों के दिल्ली के दौरे पर, शाह और नड्डा से भी मिलेंगे। नीतीश कुमार कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार और बिहार को स्पेशल पैकेज देने की मांग। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे को फिर से उठाया, कहा कि सत्ता में आने पर देश में कराएंगे जातीय जनगणना, 50% आरक्षण सीमा करेंगे खत्म। आज से शुरू होगा बीजेपी का गांव चलो अभियान, देश भर के गांवों के लिए व्यापक आउटरीच कार्यक्रम। कर्नाटक के सीएम का आज दिल्ली में हल्ला बोल केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में राज्य के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए सुबह 11 बजे से प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम ने निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी के सभी सांसदों का विरोध के लिए आमंत्रित किया है। दर्शनकारी केंद्र से 15 बजे वित्त आयोग के तहत 5 साल के दौरान कर्नाटक को हुए 1,87,000 करोड़ रुपए के कथित नुकसान की भरपाई करने की मांग करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी का जवाबी विरोध सुबह 11 बजे बेंगलुरु में विधानसभा की गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन होगा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली शराब घोटाले में 5 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो गए। सुबह 10 बजे आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीडी के खिलाफ फिर से खुलासा करने का कर रही है दावा। सूत्रों के मुताबिक ईडी आतिशी के आरोपों के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। केजरीवाल का तीखा पलटवार, कहा कि छापे और गिरफ्तारियां केवल राजनीतिक द्वेष आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश है। केजरीवाल का ईडी और बीजेपी पर हमला, तेज पीए के घर पर छापेमारी की उन्होंने निंदा की। अजीत पवार गुट को चुनाव आयोग ने बताया असली एनसीपी। शरद पवार को लगा बड़ा झटका, भतीजे को मिला नाम और चुनाव चिन्ह। 6 महीने में 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने फैसला दिया। अजीत पवार गुट के लोगों ने जमकर मनाया जश्न। चुनाव आयोग के फैसले को लेकर बोली सुप्रिया सुले, अदृश्य शक्ति की वजह से फैसला आया, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जितेंद्र अवार्ड ने चुनाव आयोग के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा कि चुनाव आयोग का यूज करके पार्टी तोड़ी जा रही है। यूपी में गठबंधन इंडिया को झटका, बीजेपी के साथ आरएलडी का हो सकता है गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी को लोकसभा की 4 सीटों का ऑफर मिला है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। बजट सत्र के आखिरी 2 दिनों में श्वेत पत्र लाया जा सकता है। यूपीए राज्य के आर्थिक कुप्रबंधन को बेनकाब करने का प्रयास होगा। देश की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अमित शाह ने कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर 1,643 किलोमीटर में अब फेंसिंग होगी और मणिपुर में 10 किलोमीटर में फेंसिंग का काम पूरा होगा। दिल्ली के हाउस रेवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को मिली राहत, राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा आने की अनुमति। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार सरकार बनाएगी 2,165 पंचायत भवन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1,083 जबकि सामान्य क्षेत्रों में 1,082 भवन बनेंगे। आज हो सकता है उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी में शादी तलाक को लेकर नए नियमों का प्रावधान। बदरुद्दीन अजमल ने समान नागरिक संहिता को बताया गलत, बीजेपी ने बताया वैचारिक मुद्दा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा निशाना, राज्य में कानून बनाकर केवल वोट बैंक साधने का इसे प्रयास बताया, संविधान की अवहेलना करार दिया। उत्तराखंड के बाद से दूसरे राज्यों में भी यूसीसी की हो रही है चर्चा, बीजेपी ने संकल्प पत्र में हवाला दिया असम में कमेटी की रिपोर्ट, महाराष्ट्र से भी अब मांग।
राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यूसीसी की तारीफ की, कहा कि राजस्थान में भी ऐसे बिल की आवश्यकता है और इसे इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में फिलहाल जारी रहेगा पूजा पाठ। हाईकोर्ट में 15 जनवरी को अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष से अदालत ने सवाल पूछे। परीक्षाओं में नकल पेपर लीक पर रोक लगाने वाला बिल लोकसभा से पास। संगठित अपराध में शामिल लोगों पर अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार। आतंकी रियाज अहमद था रिटायर्ड सैन्य कर्मी, एलओसी पार से पाक से हथियार गोला बारूद जुटाने का ये काम करता था, इसमें माहिर था। भारतीयों को ईरान की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा रद्द करने की शर्तों का ऐलान किया गया। 4 फरवरी से नियम होंगे लागू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला नया चेयरमैन। पंजाब के केयरटेकर सीएम मोहसिन नकवी को कमान दी गई। 3 साल तक संभालेंगे जिम्मेदारी। मुंबई में बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने उठाया महिला सशक्तिकरण और केंद्रीय एजेंसियों का मुद्दा। कांग्रेस महिला अध्यक्ष संध्या ताई, उन्होंने शुरू की मुहिम। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात में एक और FIR दर्ज। भड़काऊ भाषण और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में कच्छ के थाने में मुकदमा दर्ज। दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नारेटको के 16वें नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। बजट से लेकर लोगों में जागरूकता करने पर उन्होंने जोर दिया। सचिव मनोहर जोशी भी शामिल हुए। राजधानी दिल्ली के वासुदेव घाट में कायापलट, इसका हुआ लोग पूछ रहे हैं सवाल। पाली में एक विशाल इमारत जो कि ओम का आकार ले रहे हैं, उसका अधिकतर काम पूरा हो चुका है। यूरोप ये पृथ्वी पर ओम के आकार का पहला मंदिर होगा। मंदिर में होगी भगवान शिव की 1008 आकृतियां, 12 ज्योतिर्लिंग, ओम आकृति का पूरा मंदिर है। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत चावल। 29 रुपए प्रति किलो में आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकेगा। कर्तव्य पथ से 100 मोबाइल वैन लॉन्च की गई। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाई। लैंगिक समानता की मिसाल बना लाहौर का प्यूकर गांव। बेटियों के जन्म की खुशी के इजहार में यहां पर गोची उत्सव मनाया जाता है। चंद्रपुर में दिखी साइकिल चालक की एक अनोखी रामभक्ति। 16.5 दिन में साइकिल यात्रा कर अयोध्या लौटे। शिमला के जुनगा में भूस्खलन हुआ, चपेट में आए सोए हुए 7 लोग, 2 मजदूरों की मौत। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद अब खिली धूप, धीरे धीरे गुलजार हो रहे हैं औली स्कीइंग करने के लिए पहुंच रहे लोग। बर्फबारी के बाद चंबा में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी का सौंदर्य में 4 चांद लगे। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई है। शिमला में बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे 5 पर एम्बुलेंस फंस गई। फंसी गाड़ियों को निकालने का काम भी जारी। रोहतांग में हो रही ताजा बर्फबारी, अटल टनल की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। मुंगेर के पहाड़ों के बीच में मिनी मिलीगन फैक्ट्री, 2 गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरा एक बच्चा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मशक्कत के बाद निकाला। चेन्नई में सरकारी बस में यात्रा कर रही एक महिला की बाल बाल बची जान। बस के फर्श पर बने हुए गड्ढे के कारण चलती बस से गिर गई थी महिला। लखनऊ में स्क्रैप की दुकान में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से 1 की मौत, मामले की जांच जारी। रेवाड़ी में बढ़ रही चोरी की वारदातें, 1 साथ 3 जगहों पर चोरी की घटनाएं। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अमरावती में किसान के खेत में कटाई कर रहे अरहर की फसल को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। किसान का 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ओडिशा में बौद्ध में 2 महिला नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। कोटा में एक इमारत में भर भरा कर यह इमारत ढह गई, बचाव अभियान जारी है। गुरुग्राम में सवारी से लूटपाट करने के जुर्म में 2 लोग गिरफ्तार। ऑटो रिक्शा में बैठकर सवारी से लूटते थे कैश और उनके मोबाइल फोन। जामताड़ा में फोन पे में कैशबैक दिलाने के नाम पर QR कोड भेजकर ठगी करते थे। 6 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया गया। आगरा में एक फार्मा फैक्ट्री में अचानक लगी आग, हादसे में लाखों का नुकसान हुआ। जयपुर में नगर निगम ने दुकानदारों के बनाए गए अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, तस्वीरें सामने आई। दरभंगा में ट्रेन से बड़ी मात्रा में किया गया विदेशी शराब को जब्त, पूरे गिरोह की जांच में जुटी है पुलिस। पटना में महिला दरोगा ने लगाया पूर्व थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप, कॉफी पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया गया। सहरसा में आबकारी विभाग ने छापेमारी में 2 शराब कारोबारियों समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप के साथ विदेशी शराब बरामद। भिलाई में एक महिला ओमान में बनी बंधक, हाउसमेट की नौकरी करने के लिए गई थी और महिला बंधक ने मोबाइल पर अपने पति को वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है।
ओमान में बंधक बनाकर रखने वाले माइक मालकिन महिला ने कहा कि वापस जाना है तो लाओ 3 लाख रुपए, वरना किसी और को बेचकर हम रुपए वसूलेंगे। आजमगढ़ में प्रार्थना सभा के नाम पर चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल, पुलिस ने रेड की आपत्तिजनक सामग्री के साथ मुख्य पादरी गिरफ्तार। मेरठ में एक युवती की आधी जली हुई लाश मिली, प्रेम प्रसंग के चलते मामा ने ही युवती की हत्या की थी। मुजफ्फरपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना, बेरोजगारों को बकरी पालन से रोजगार मिलेगा। बांकुड़ा में छोटे भाई पर अपनी बूढ़ी मां और भाई को तलवार से पीट पीट कर मार डालने का आरोप है, जांच कर रही पुलिस। बंगाल के मेदिनीपुर में तट दीक्षा की यात्रा पर एक महिला के साथ 2 युवकों ने यौन उत्पीड़न किया, पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दौसा में वन विभाग की टीम पर हमला, पथराव का लाइव वीडियो सामने आया। सहरसा में एसपी गोपनीय शाखा में कार्यरत होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार ऑटो ने मारी टक्कर, मौके पर ही हुई मौत।